प्रभु ने एक और दिन हम सबों के जीवन में दिया ताकि उसकी संगति पर आकर हम लोग आराधना महिमा करने वाले हो सके। और आइए हम लोग आज के सत्र को एक छोटी सी दुआ करके हम लोग शुरुआत करेंगे। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी जुड़े हैं। और आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया ताकि आपकी संगति पर आकर आपकी स्तुति महिमा आराधना करने वाले हो सके। प्रभु जी आज के पूरे सत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप ये पूरे सत्र को आप आगे लेके चलाइए प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा में लेकर सभी आप ही रहकर प्रभु जी आप चलाइए। जितने लोग यहाँ पर जुड़े तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने उनको जुड़ने के लिए मौका दिया, और जितने लोग जुड़ने वाले हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करते हूँ ताकि जल्द से जल्द जुड़ सके। और आज के पूरे सत्र को आप ही चलाइए प्रभु जी, सारी बातों को आपको सौंपते हैं। आपके सौदों के बाड़ा में सभी को रखिए, किसी प्रकार से भी नेटवर्क इशू पावर इशू ना होने वाला सके। ये छोटी सी विनती उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम पर सुनो करेंगे पिता, आमीन आमीन। ये मसीह की सभी को आइए हम लोग हमारे सत्र में आगे बढ़ेंगे। सत्र में आगे वर्शिप में लीड करने के लिए मैं रमन ब्रदर और उनके फैमिली को बुलाना चाहूंगा। रमन भाई क्या आप सुन सकते हैं? जी भाई जय मसीह की। हमारी आवाज क्लियर है? आपकी आवाज क्लियर है। जय मसीह की, ओवर टू यू ब्रदर। वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा बिकॉज़ देयर इज अ पावर कट, सो आई होप इट्स फाइन। हां इट्स फाइन, इट्स फाइन। चलो थैंक यू भैया। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आराधना शुरू करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आपकी सामर्थ, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह चाहते हैं हम प्रभु जी। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए प्रभु जी, कोई रुकावट ना होने पाए प्रभु जी, इंटरनेट से लेके पावर कट से लेके प्रभु जी सभी चीज़ों को आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी, और आशा करते हैं प्रभु जी सब कुछ सही तरीके से होने पाएगा प्रभु जी। प्रभु जी हमें से हर एक को छूइएगा प्रभु जी। आज की आराधना, आज के मैसेज के दौरान प्रभु जी हमें से हर एक के अंदर प्रभु जी आपका वचन गढ़ने पाए प्रभु जी, आपका वचन छपने पाए प्रभु जी, यही हम आपसे आशा करते हैं प्रभु जी। सारी की सारी विनती हम आप ही के प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिएगा पिता, आमीन। पहला गीत रहेगा सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। गुलामी, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद 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 प्रभु जी। दूसरा गीत हम गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे, जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद। आइए एक गीत और हम गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु को देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे, अपने यीशु को देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रभु जी अपना सानिध्य हमारे ऊपर बिखेरने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम में से हर एक को पवित्र बनाइएगा प्रभु जी, हर एक तरीके के पापों से उसे निष्कलंक कीजिएगा प्रभु जी, हर एक तरीके की बुराई से बचाएगा प्रभु जी। जो भी हम में से लोग प्रभु जी किसी भी तरीके की कमजोरी के अंदर अगर हैं प्रभु जी, उनको आप बलवान कीजिएगा प्रभु जी। आप उन्हें ऊंचा उठाइएगा प्रभु जी। प्रभु जी आप हमारे जीवन पे, हमारे मन पे, हमारे दिमाग पे अपना कंट्रोल लीजिए प्रभु जी, और हर एक चीज हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी योजना के अनुसार हो प्रभु जी। सबके बीच में प्यार, प्रेम, सम्मान बने रहे प्रभु जी। सब लोग मिलकर आपकी स्तुति और आदर और महिमा करने पाए प्रभु जी। ये सारी की सारी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनियो ग्रहण कीजिएगा पिता। आमीन आमीन। ओवर टू भैया। धन्यवाद भैया हमें सुंदर आराधना में अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष करे और आने वाले दिनों में आपको और भी इस्तेमाल करने पाए। आइए अब हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और हमें इसमें अगुवाई करने के लिए मैं जुबी भैया से अनुरोध करूंगी कि भैया आगे और हमें अगुवाई करें। जुबी भैया क्या आप क्या बात? जय मसीह की। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिया इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज शुक्रवार का दिन है और आज परमेश्वर के वचन से, हाँ, बाइबल स्टडी आज का दिन है और हम परमेश्वर के वचन से जो बातें हम उसके बारे में और गहराई से आज सोचने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिजी चल रहा था क्योंकि फैमिली प्रेयर मलयालम का उपवास प्रार्थना था। इस कारण से जो है बहुत समय वहाँ पे भी और तकनीकी कुछ जो है व्यक्तिगत कारणों से भी जो है हम फैमिली प्रेयर में निरंतर नहीं जुड़ पा रहे थे। इसलिए मैं पहले आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ और आज जो परमेश्वर ने मौका दिया इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पहले एक वक्त प्रार्थना करके आज के इस बाइबल स्टडी को हम शुरू करेंगे। आइए अपने आँखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन और समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आज वचन से और कुछ नई चीज़ों को सीखने में आप हमें मदद करिएगा। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण में ले लीजिए। पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा हम मांगते हैं पिता कि प्रभु हम नहीं, मनुष्य नहीं, लेकिन पिता आप हमसे बात करें, आप इस चीज़ों में नियंत्रण ले लें। पिता हम आपकी हुजूरी मांगते हैं। यीशु पिता आपका अनुग्रह, आशीष हम मांगते हैं। आज सुनने वालों से आप बात करिएगा, मुझसे प्रभु जी बात करिएगा। हम अपने अधरों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। सुनने वालों के कानों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। कृपा में चलाइएगा, अनुग्रहित करिएगा। सारी चीज़ों में आदर, मान, सम्मान आपको यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। पिछले दिनों में हम बुलाहट के बारे में सीख रहे थे और बुलाहट यानी कि हम जानते हैं कि बुलाहट में कितनी ही महत्वपूर्णताएं हैं, कितनी ही विशेषताएं हैं जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दी हैं। जी हाँ, एक क्विक रिकैप जो हम पिछले दिनों में हमने सीखा था कि हमारी जो बुलाहट है वो बहुत ही पवित्र है और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए है। हमारी बुलाहट की अनेक विशेषताएं हैं, हमारे बुलाहट के बहुत पर्पसेस हैं और उसके साथ साथ हमारे बुलाहट से परमेश्वर हमसे किन्हीं चीज़ों की उम्मीद करता है। और इन चीज़ों में हम देख रहे थे कि परमेश्वर सबसे पहले हमें मांगता है और हम साथ ही साथ जो है हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। और यह भी हमें इसने सीखा था कि हमारे बुलाहट की एक आशा है और उस आशा के अनुसार, बुलाए जाने के अनुसार हमें जो है अपना चाल चलन रखना है। और साथ ही साथ पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में, यानी पवित्र आत्मा में हमें निर्भर होकर या पवित्र आत्मा में हमें चलना है। पिछले अगर उपवास प्रार्थना के सत्र को अगर आपने, जो हमारे वरिष्ठ पासवान के द्वारा लिया गया सत्र था, अगर ध्यानपूर्वक आपने सुना होगा तो कितना ही महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य। जी हाँ, पवित्र आत्मा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, यीशु मसीह की जिंदगी में पवित्र आत्मा ने कैसे काम किया, यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा ने कैसे काम किया, इन सारी चीज़ों को हमने उस क्लास में सुना। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो है बड़ा ही रोचक लगा और काफ़ी जो है उनके अंदर एक उत्साह आया कि वे इस प्रकार की क्लासेस को और सुनने पाए। इसलिए आज के दिन में इस आधुनिक दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं यह बताऊंगा कि वह उसको जो है पर्सनल मोटिवेशन की नहीं, मोटिवेटेड स्पीकर्स की नहीं, या जो है बहुत सारे प्रचारकों या बहुत सारे प्रचार की नहीं, लेकिन इन दिनों में सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत है तो पवित्र आत्मा की। क्योंकि पवित्र आत्मा एक सहायक है, पवित्र आत्मा एक मददगार है, पवित्र आत्मा आपको सत्य की मार्ग में चलाता है, पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर का भय निकालता है, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा आपको आपकी पुत्रत्व के बारे में बोध कराता है, पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के पास लेके जाता है, पवित्र आत्मा आपके वायदे को याद दिलाता है, पवित्र आत्मा आपकी निजी जिंदगी में आपको हर दिन की अगुवाई देता है, पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा करता है, पवित्र आत्मा वचन को याद दिलाता है, पवित्र आत्मा वचन के माध्यम से आपसे बात करता है। हालेलुया। इस प्रकार के अनेक विशेषताएं हैं और इसलिए इस पल मैं आप सबको यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि आज के दिनों में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जी हाँ, अंत के दिन में भरमाने वाले अनेक आएंगे, झूठे शिक्षक अनेक आएंगे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बगैर तुम अधूरे रह जाओगे, मेरे बगैर तुम इस दुनिया के यात्रा को पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे बाद मैं तुम्हें एक सहायक को दूंगा। लेकिन जिस प्रकार पिछले दिनों में हमने सीखा, एंड अनदर हेल्पर, अनदर यानी उसके समान, ग्रीक में हमने सीखा था उसको अलाउस करके जो शब्द कहा था, यानी खुद से ही निकला हुआ, यानी खुद के समान, यानी जैसे यीशु मसीह है वैसे ही पवित्र आत्मा भी है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक समान है, तीनों आदर के योग्य है, तीनों जो है सम्मान के योग्य है। इन दिनों में मैं आप सबसे मैं कोशिश करूंगा, विनम्रता से कहता हूं कि पवित्र आत्मा को अपने ज़िंदगी में और कार्य करने का मौका दीजिए। हर एक बुलाए गए व्यक्ति की ज़िंदगी में पवित्र आत्मा का बड़ा ही योगदान है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य रहता है। पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें हमारी ज़िंदगी में किन्हीं कामों को अंजाम देना है, बढ़कर आगे चलना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें जो है पवित्र आत्मा से बात करनी है, निरंतर पवित्र आत्मा से बात करनी है। पवित्र आत्मा को जानिए, पवित्र आत्मा को समझिए, अपनी इंद्रियों को पवित्र आत्मा के लिए जो है उसको सेंस करिए। जी हाँ, सेंस करिए। हमारे जो सेंसेस हैं इतने सेंसिटिव होने पाए, हमारी इंद्रियां इतनी सेंसिटिव होने पाए कि पवित्र आत्मा के हर एक कार्यों को हम समझ पाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपको जुकाम हो गया है या फिर आपकी नाक बंद है, तो अगर आप किचन में जाएंगे और गैस लीक हो रही है, आपको अगर जुकाम है, नाक बंद है, तो उसकी जो महक अगर महसूस नहीं हो पाएगी तो आप दुर्घटना में पड़ सकते हैं। इसीलिए जब एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसमें उसको जुकाम नहीं है और उसकी नाक खुली रहती है, तो वो इन सारी चीज़ों को एहसास कर सकता है और दुर्घटना से बच सकता है। पवित्र आत्मा में भी इसी प्रकार हमें क्या रहना है, हमें अपनी इंद्रियों को उसके प्रति उसको जानने के लिए खोलना है। और वह कैसे होगा? पवित्र आत्मा की निरंतर सहभागिता से। बीते दिनों में मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहा था, मैं अपने बच्चों के साथ जो है बात करता हूँ। छोटा बेटा जो है बोलना अभी शुरू कर ही रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी जो शुरुआत में समझ नहीं आ रही थी, लेकिन निरंतर उसके बात करने के कारण क्या हुआ, मैं उसको समझने लगा। उसकी हर एक छोटी ज़रूरतें बाहर वाला नहीं समझ पाता, लेकिन मैं उसके साथ जो रोज़ उठता बैठता हूँ, या फिर मैं उसकी माँ जो उसके साथ रोज़ उठती बैठती है, या उसके साथ निरंतर जो उठते बैठते हैं, वो समझ जाते हैं। जी हाँ, वीडियो कॉल करके मेरे जो परिचित हैं, मेरे दोस्त यार या सैम भाई भी हैं, जब बात करते हैं तो पूछते भैया ये क्या बोल रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पाते क्योंकि उनका उतना उतना बैठना उस बच्चे के साथ नहीं है। लेकिन मेरा उस बच्चे के साथ उतना उतना बैठना होने के कारण मैं उसको समझ पाता हूँ। उसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन में हम जितना पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखेंगे, उतना हम पवित्र आत्मा को समझने पाएंगे, उतना हम पवित्र आत्मा की हर एक छोटी बड़ी जो है एक्टिविटीज़ को अपने जीवन में जान पाएंगे। उसको हमेशा जो है हम जो अपने जीवन में बढ़ते रहने का एक मौका देना चाहिए। जिस प्रकार पास्टर अंकल ने बताया कि एक बच्चा पैदा होते ही उसको वोट देने की जो है क्षमता नहीं होती, या भले ही वो अगर 10 साल का भी हो जाए तो वोट नहीं दे सकता, लेकिन एक उम्र होते तक उसको जो है उसको अधीनता में रहना है और वो वोट देने के उस तजुर्बे को या फिर उस उम्र को पार करना है, तभी उसमें वो अधिकार आता है कि वो वोट दे सके। उसी प्रकार से हम भी जब दिन ब दिन अपने आप को पवित्र आत्मा में ढलते रहेंगे तो एक दिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में करते और देखते हुए पाएंगे। हालेलुया, करते और देखते दिन हुए पाएंगे। एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय लगता है। यीशु मसीह को भी 30 साल जो है अपने आप को तैयार करने के लिए लगा है। 30 साल प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी 3.5 साल की सेवकाई करने के लिए अपने आप को एक अधीनता में रखकर जो है पवित्र आत्मा की आज्ञा में रखकर, पवित्र आत्मा के हुजूरी में रखकर जो है आगे बढ़ाया। और ये हम सब जानते हैं आज बुलाहट में जो परमेश्वर हमसे चाहता है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण उससे जुड़ी हुई बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने सीखा कि पवित्र आत्मा में हमें कैसे आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा कैसे हमें आगे बढ़ाता है। और इसके साथ साथ आज मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जैसे पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाता है, हमें यह भी ज़रूरी है कि आज्ञाकारिता भी हमारे जीवन में उतनी ही ऊपर महत्वपूर्णता में हम आगे बढ़ते रहने पाए। आज्ञाकारिता, जी हाँ, हम जानते हैं आज्ञाकारिता का अर्थ क्या है। छोटे बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। क्यों कहते हैं? वचन हमें सिखाता है आज्ञाकारिता जो है अब से नहीं लेकिन मनुष्य की सृष्टि से ही पर एक आज्ञाकारिता का सिलसिला हम देखते आए हैं। जी हाँ, आज्ञाकारिता का में जो है हम देखे हैं कि पहला पाप भी जो है उसी आज्ञा के ना मानने से पाप अंदर आया। कहाँ लिखा है? रोमी 5:12 में। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ रोमी 5:12 जो इस प्रकार लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी रीति से मृत्यु भी सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। यानी एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने के कारण, दूसरे शब्दों में कहूं तो एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर ने कहा कि वहां का फल मत खाना, लेकिन वह व्यक्ति ने उस फल को खाया। फल खाने से क्या हुआ? पाप इस दुनिया में आया। पाप के कारण क्या आया? मृत्यु आई। एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के कारण अगर पाप और मृत्यु इस धरा पर आई तो हालेलुया, एक व्यक्ति के आज्ञा मानने के कारण हमारे अंदर से मृत्यु को परमेश्वर ने निकाल दिया। परमेश्वर ने हमें उसके सामने धर्मी ठहराया। हम जन्म से ही अधर्मी थे, लेकिन एक व्यक्ति के आज्ञा मानने के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण हम क्या कहलाने पाए? हम धर्मी कहलाने पाए। हालेलुया, मैं यीशु मसीह के बारे में कह रहा हूँ। यीशु मसीह जो व्यक्ति थे, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में इस धरा पर जन्म लिया और पिता की आज्ञा को उसने पालन किया और आज्ञा के पालन करने के कारण हम सब के लिए अनंत काल का एक दरवाज़ा परमेश्वर ने खोल दिया। यीशु मसीह पे जिसने विश्वास किया वह नाश नहीं लेकिन अनंत काल का वारिस हुआ। हालेलुया। तो इस प्रकार जो है एक व्यक्ति के बात ना मानने से या आज्ञा के अवज्ञा के कारण जो है पाप आया, तो दूसरे व्यक्ति के यानी आखिरी आदम के यानी यीशु मसीह के आज्ञा मानने के कारण हम जो है धर्मी कहलाए। हालेलुया। एक और जो है इसी से जुड़ा हुआ मैं आयत लेना चाहता हूँ। मैं 1 किंग्स यानी पहले राजाओं की किताब और उसका दूसरा आयत, पहले राजाओं की किताब उसका दूसरा आयत और उसका तीसरा आयत। हम सब जानते हैं दाऊद अपनी वृद्धावस्था में था और दाऊद अपनी वृद्धावस्था में वो जानता है कि उसकी अंतिम घड़ी काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, वो कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकता है। ना उसी समय वो अपनी सारी आशीष और अपना सारा कारोबार, अपना सारा जो है उत्तरदायित्व, अपनी शिक्षाएं, अपनी उसको मिली हुई आज्ञाएं और उसका तजुर्बा वो अपने संतान सुलेमान को दे रहा है। और यह बहुत ही मुख्य बात है जो दाऊद सुलेमान से यहाँ पे कह रहा है, जो इस प्रकार है कि और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा कर। बी ओबीडियंट इन एवरीथिंग। दाऊद यह कहता है सुलेमान से, सुलेमान तुझे परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें सौंपी होंगी, लेकिन उन सारी चीज़ों में जो तुझे परमेश्वर ने सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना, उसकी रक्षा करना, उसके मार्गों पर चलना। ओबीडियंट का सबसे इम्पॉर्टेंट वाक्य यही है, कथन यही है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको सौंपा है, आपकी बुलाहट, आपकी परिवार, आपका जीवन, जो नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, वो सब की रक्षा करने का कर्तव्य हमारा भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दाऊद कहता है, सुलेमान तो उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है। यानी तुझे मूसा की व्यवस्था मिली है और तुझे उसकी हिफाजत करके उसके उस आज्ञाओं को मानकर उसमें चलना है। और मूसा तुझे ध्यान रखना है कि तू सुलेमान तुझे ध्यान रखना है कि तू कभी फिसले ना। लेकिन शायद इन बातों को सुलेमान भूल गया था, शायद इन बातों को सुलेमान जो है नज़रअंदाज किया, शायद इन बातों को सुलेमान उतना ही महत्व नहीं दिया। इस कारण से हम जानते हैं सुलेमान की ज़िंदगी में बाद में क्या हुआ। काफ़ी अरसे तक तो जो है सुलेमान इसी आचाओं पर और इसी आज्ञाओं पर चलता रहा, लेकिन समय बीतते गया, कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर दूसरों का प्रभाव पड़ने लगा। और उस प्रभाव पड़ने के कारण क्या हुआ, सुलेमान का पैर फिसलने लगा और वो जान नहीं पाया, क्योंकि वो इन बातों को अपने जीवन में नज़रअंदाज करने लगा। मेरे प्रियो, एक बार किशोर पास्टर जी की एक मैसेज था जो उन्होंने एक एरिया मीटिंग में लिया था, मुझे अभी भी याद है। 3 चीज़ों को हमें हमारे जीवन में कभी नहीं भूलना है कि किस रास्ते से तुम आए हो, तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ है, परमेश्वर का वचन। 3 चीज़ों को अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना, जिस रास्ते से तुम आए हो, तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ है, और परमेश्वर का वचन। ये 3 चीज़, और यही चीज़ तो व्यवस्था पूरी जो है इजराइलियों को याद दिलाती थी। ये प्रभु यीशु मसीह ने इन पर्वों को क्यों दिया? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर मूसा यहोवा परमेश्वर ने सिनै की पहाड़ में इन व्यवस्था को विवरण क्यों दिया? ये व्यवस्थाओं से प्रभु यीशु परमेश्वर अपने जनों को क्या बताना चाहते थे? कि तुम गुलामी में थे, तुम 4.5 साल की गुलामी में थे। और याद करो कि वो रात जिस दिन मैंने तुम्हारा उद्धार कराया था, याद करो वो रात जिस दिन मैंने तुम्हें उस मिस्र से छुटकारा देकर लाल समुद्र को पार कर कर वायदे के देश की तरफ लेके गया था। याद करो वो दिन जिस दिन तुमने जो है मरुस्थल से होकर जा रहे थे और तुम्हारी सारी कमी घटियों को मैंने पूरा किया था। याद करो वो समय कि जब तुम जो है तुम्हारा गला सूख रहा था, चट्टान को तोड़कर मैंने पानी दिया। परमेश्वर यहोवा हर एक चीज़ जो है अपने जनों के लिए जो किए थे, उसको इस व्यवस्था में लिखकर, उसको पर्वों के माध्यम से बनाकर, सालों ताल उसको जो है उसको अमल में लाकर वो यह बताना चाहते थे, मेरे प्रियो, तुम कभी मत भूलना कि तुम क्या थे और तुम्हारा उद्धार किस रास्ते से हुआ। मेरे प्रियो, हमेशा पाप आपको जो है नीचे खींचने की कोशिश करेगा, नीचे गिराने की कोशिश करेगा। शैतान जो है आपको जो है धड़ दबोचने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मत भूलना कि आपको छुड़ाने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। वो यीशु मसीह जिसने आपको उद्धार दिया है, जो वो यीशु मसीह जिसने कलवरी के क्रूस में आप वो यातनाएं, वो ताड़नाएं आपको याद में रखे उसने सहा है। मेरे प्रियो, हमेशा अपने ज़िंदगी में पाप करते वक्त एक चीज़ का जहम अपने अंदर रखना कि तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ है, तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो, किस कारण से हो, वो तुम्हारे जहम में हमेशा बरकरार बना रहे। परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर खारी करता रहे और उसके लिए अत्यधिक रूप में पवित्र आत्मा में निर्भर होकर अपने दैनिक जीवन को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। आज्ञा मानना ये एक क्रिया है। आज्ञा, हम किसकी आज्ञा मानते हैं? आज्ञा मानना, आप हमेशा सोचते हो आप किसकी आज्ञा मानोगे? जिससे बैर रखते हो आप उसकी आज्ञा मानोगे? IT प्रोफेशनल वालों से मैं पूछ सकता हूँ, अगर आपका बॉस खड़ूस है, और माफ़ कीजिए उस शब्द का प्रयोग करने के लिए, या आपको आपके बॉस जो है अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ही बुरा बर्ताव के साथ करते हैं, तो अगर बॉस ने कुछ कहा तो आप उसकी बात को जो है भरपूरी से या फिर मन लगा के मानोगे? नहीं। हो सकता है एक हद तक आप ज़रूर मानोगे क्योंकि वो बहुत सख्त है, लेकिन एक तरफ वो होता है जो जोर ज़बरदस्ती से आपको उसे करवाया जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि हम प्रेम करने के कारण आज्ञा को मानते हैं। जी हाँ, माता पिता से आप प्रेम रखते हैं, इसलिए उनके कहे हुए आज्ञाओं को आप मानते हैं। आप अपने बड़ों से प्रेम करते हैं, इसलिए आप उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। पास्टर जी से आप प्रेम करते हैं, इसलिए सुनील पास्टर जी की बात, जूनी पास्टर जी की बात आप उसका नज़रअंदाज नहीं करते हैं। पास्टर अंकल ने अगर कुछ कहा तो आप ज़रूर उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और उसको कम से कम कान देते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। चर्च के बुज़ुर्ग या चर्च के अगुए अगर आपसे कुछ कहें तो डेफिनेटली आप उसको जो है कान लगाते हैं, आप ऐसे ही करते हैं क्योंकि आप प्रेम करते हैं। जी हाँ, आज्ञाकारिता का दूसरा या फिर आज्ञाकारिता का मेल प्रेम से होता है। परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह से प्रेम करते हो, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानोगे। पवित्र आत्मा से प्रेम करते हो, पवित्र आत्मा के को कान लगाकर पवित्र आत्मा के बताए हुए उसी अनुसार आप चलोगे। मेरे प्रियो, वही तो वचन हमें सिखाता है। यूहन्ना 14:15 में वही चीज़ लिखा हुआ है। 14:15 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो। परमेश्वर सीधे अल्फाज में कहते हैं, कोई घुमा फिराव के नहीं, सीधा एक ही उनका कहना है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो तुम आज्ञाओं को तोड़ोगे, उसका विपरीत है। जी हाँ, आज एक और कदम यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए, आज एक और कदम उसकी बात को मानने के लिए, आज एक और निर्णय उससे खुद से भी ज़्यादा प्रेम करने के लिए, खुद से भी ज़्यादा प्रेम करने के लिए। इसी कारण पौलुस कहता है कि अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में बढ़ता रहा, क्योंकि मैं एक समय था, पौलुस कहता है कि मैं एक समय ऐसा था कि मैं अपनी ही इच्छाओं पे चल रहा था। व्यवस्था के द्वारा जो मैंने सीखा उसको अमल में करने की कोशिश कर रहा था और हर एक चीज़ जो मुझे सही बन पड़ता है मैं वैसे ही करता रहा। लेकिन जिस दिन वो पौ फटने के समान उस जो है चमकीले सूरज से भी बढ़कर वो रोशनी जब मेरे ऊपर पड़ी और मैंने जान लिया कि वो यीशु मसीह जो है जिसको मैं जो हूँ चोट पहुँचा रहा था, उसने मेरा उद्धार कराया, तो मैं जान गया कि अब मैं नहीं बढ़ने पाऊँ लेकिन वो मुझ में बढ़ने पाए, वो मुझे बढ़ने पाए। मैं खुद अपने आप को घटाकर अब मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं उसके प्रेम करने के कारण उसकी आज्ञाओं पे चलता हूँ। हालेलुया, उसकी आज्ञाओं पे चलता हूँ। आज कलीसिया में आपको एक और बार एंकरेज करना चाहता हूँ, यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलिए, यीशु मसीह पे प्रेम करिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलिए, यीशु मसीह से प्रेम करिए, यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलिए। क्या मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ और उसकी आज्ञाओं पे चलूँगा, मैं यीशु मसीह पर प्रेम करता हूँ, उसकी आज्ञाओं पे चलूँगा। आप पूरा परिवार एक साथ मेरे साथ कहिए कि मैं, मेरा परिवार यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और हम उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। हालेलुया, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार का एक अंगीकार दिन ब दिन अगर हम अपने अल्फाज में करेंगे, शत्रु पीछे भागेगा, शैतान पीछे भागेगा, पवित्र आत्मा आपके पास आएगा और आपको सत्य के मार्ग में चलाएगा। पाप करते वक्त पवित्र आत्मा का बोध आपके मन में रहेगा, वचन आपसे बात करेगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक इसी प्रकार जो है ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता का एक बहुत बड़ा महत्व वचन में हमें सीखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमारे बुलाहट में अगर हमारी बुलाहट को हमें अंजाम देना है तब इन आज्ञाकारिता को, आज्ञा पालन करने को जो है बड़ा ही हमें महत्व देना चाहिए। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति कैसे था और किस कारणों से वो जो है गिर गया और वो जान भी नहीं पाया कि उसने कैसे कैसे जो है बड़े बड़े जो है आज्ञाओं को तोड़ा। और साथ ही साथ वो यह भी भूल गया कि वो किस चीज़ के लिए बुलाया गया था। बुलाहट से परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पे चलें। लेकिन न्यायियों की किताब उसके 13 से 16 अध्याय में हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ चुके हैं, Q&A सेशंस भी हो चुका है, क्विज़ में भी काफ़ी सभी लोगों ने सही जवाब दिया था इसके ऊपर। 13 से 16 अध्याय हम सब पढ़ चुके हैं और उसमें एक व्यक्ति को हम पाते हैं जिसका नाम क्या है, शिमशोन है। हम सब जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में, संडे स्कूल में हमने कई बार पढ़ा है, हमारे बच्चे उसके बारे में जानते हैं कि शिमशोन यानी अगर नाम ही सुनने से वो पता चल जाता है, इट्स अ सुपर ह्यूमन यानी एक बड़ा ही शक्तिशाली क्या है, एक बड़ा ही शक्तिशाली मनुष्य। जी हाँ, लेकिन उसके बारे में आज हम कुछ सीखना चाहें। मैं जानता हूँ आप शायद जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक याद दिलाएं, एक रिवीजन के रूप में हम सब जो है इसको सीखने पाए। ठीक है, आइए आज शिमशोन से हम सीखते हैं कि कैसे वो व्यक्ति कैसे बढ़ा, लेकिन कैसे उसकी गिरावट थी वो हमें ध्यान रखनी है। गिरने का कारण क्या है उसको हमें ध्यान रखना है। आइए शिमशोन की ज़िंदगी को देखें। न्यायों की किताब 13 से 16 के अध्याय की ओर हम जाएंगे। 13वें अध्याय के हम देखेंगे, दानियों के कुल में 16वासी मनो नामक एक पुरुष था और जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था, कोई पुत्र जो है उसका नहीं था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियों के कुल का 16वासी मनो नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। उसमें परमेश्वर जब एक आशीष देता है तो वहाँ पे परमेश्वर उसको कुछ आज्ञाएं भी देता है। यहाँ से हम शुरू देखते हैं कि कैसे परमेश्वर एक आज्ञा जो है उस 16वासी मनो की पत्नी के ऊपर जो है दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे उस स्त्री को परमेश्वर ने कहा कि सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। नाज़ीर यानी उस शब्द का अर्थ है परमेश्वर के लिए ठहराया गया, अलग किया गया, या आप फिर जो है उसको गिनती की किताब में भी हम पढ़ सकते हैं कि नाज़ीर की विशेषताएं क्या है। नाज़ीर यानी कि वह वंश, वह चुने हुए लोग जो परमेश्वर के लिए कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि अब से ये लोग वैसे ही रहेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ अलग किए गए लोग। शब्द में सही तरीके से कहूँ तो परमेश्वर के लिए अलग किए गए लोग उसके बारे में कहा गया है। जी हाँ, वह स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा और उसे कहा कि क्योंकि वह जन्म से ही नाज़ीर होगा, इजरायलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने वाला वही हाथ लगाएगा। स्त्री, और देखिए यहाँ पे हम यह देखते हैं कि इजरायली जो के परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने के कारण फिर से वो कहाँ आ गए, वो पलिश्तियों के हाथ में परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। बुरा करने के कारण, बुरा क्या था, इजरायली हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा क्या करते थे, दो चीज़ महत्वपूर्ण वो करते थे जो परमेश्वर को बेहद बुरा लगता था। पहला, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे। दूसरा, और जो है परमेश्वर ने जो महत्वपूर्ण जो आज्ञाएं दी थी वो उसको तोड़ते थे और दूसरे जातियों से जो है वो संबंध में आ जाते थे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें, एक परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना, और वो भी व्यवस्था को तोड़ने के बराबर ही है, क्योंकि मुझे छोड़ तुझा और कोई परमेश्वर नहीं हो, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, और इन आज्ञाओं को तोड़ने के कारण परमेश्वर उनको क्या कर देता है, पलिश्तियों के हाथ कर देता है। यानी एक दंड के रूप में परमेश्वर उनको पलिश्तियों के वश में 40 साल करता है। और हर बार न्यायों के समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उनको छुड़ाता है, तो परमेश्वर उनको जब दंड देता है, परमेश्वर उनको दूसरों के वश में करता है, तो परमेश्वर यह भी देखता है कि परमेश्वर उनको उसके वश में से छुड़ाए, परमेश्वर उनको उनके वश में से निकाले, परमेश्वर उनको जो है उद्धार के मार्ग में लेके जाए। यही हम देखते आए हैं। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति को तैयार करता है उस समय के छुटकारे के लिए। हर समय परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, एक समय काल के लिए, एक निर्धारित समय काल के लिए एक व्यक्ति। निर्धारित समय काल के लिए हम जानते हैं आज के युग में हम नहीं पाते, लेकिन आज में उसके ज़्यादा हम देख नहीं पाते, लेकिन एक ऐसा समय काल था पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक समय काल के लिए एक निश्चित व्यक्ति, और उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने जन को छुड़ाने के लिए प्रयोग में लाते थे। हम देखते थे योशुआ का समय था, योशुआ के बाद कालेब का समय, और योशुआ कालेब जो है एक साथ, उसके बाद जो है देबोरा का समय आया। देबोरा के साथ साथ यप्ता और ऐसे करके शिमशोन, गिदियोन, ऐसे जो है एक एक समय काल के अनुसार एक एक लोगों को परमेश्वर अपने कामों को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लाते थे। राजाओं का भी सिलसिला ऐसे ही चलता आया। दाऊद आया, सुलेमान आया, और जैसे जैसे एक गिरा तो दूसरा खड़ा होता है, दूसरा संभालता है, और यही सिलसिला चला आता है यीशु मसीह के आने तक। और यीशु मसीह के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर एक नहीं अनेकों को तैयार करता है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। और आज यह युग चला आ रहा है और हम तक या हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक परमेश्वर ऐसे ही चलाता है कि अपने लोगों को तैयार करने के लिए परमेश्वर अनेकों को तैयार करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करता है, चुनता है। कब? माँ के गर्भ से ही उसको चुन लेता है। यानी एक स्त्री जो बांझ थी, उसको जो है बच्चा नहीं हो रहा था, और उसको परमेश्वर का एक दूत दर्शन देकर कहता है कि तेरे अंदर तेरे द्वारा एक पुत्र जनेगी, तू एक पुत्र को जनेगी, और वह इजराइलियों को छुड़ाने का क्या बनेगा? कारण बनेगा, और वही इजराइलियों को छुड़ाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे कुछ कारण करना पड़ेगा, क्योंकि यह पुत्र परमेश्वर के लिए नाज़ीर ठहरा है। इसलिए तू गर्भावस्था के समय दाख मधु नहीं पिएगी और किसी प्रकार की मदिरा नहीं पिएगी, किसी भी अशुद्ध वस्तु को तो नहीं छोड़ेगी। यानी नाज़ीर की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं, ना मदिरा पीना, ना जो है दाख मधु पीना, और किसी भी अशुद्ध वस्तु को ना छूना। ये नाज़ीर की तीन विशेषताएं हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाए। यानी उस बच्चे को जैसे ही वो जन्म लेता उसके सर पे कभी भी उसका सर छिलने ना पाए, या फिर उसको मुंडन ना कराना पाए, उसका बाल कटने ना पाए, उसके सर पर किसी भी रीति का छुरा फिरने ना पाए। परमेश्वर का यह चार महत्वपूर्ण क्या है? एक वायदा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक वायदा परमेश्वर ने दी, एक वायदे के साथ परमेश्वर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आज्ञाएं दी। जब हमारे जीवन में भी परमेश्वर किन्हीं कामों को पूरा करना चाहता है तो परमेश्वर हमसे भी किन्हीं चीज़ों की उम्मीद रखता है। जी हाँ, बुलाहट में हम यही चीज़ तो सीख रहे हैं, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है। और यहाँ पे भी जब परमेश्वर एक छुटकारा दे रहा है तो किन्हीं आज्ञाओं को भी पूरा करने को कह रहा है। और यह चीज़ जो है मनोह की पत्नी ने जान लिया, और मनोह भी बाद में जाकर इसको देखता है, समझता है, और ये दोनों जो है उस दूत को स्वीकार करते हैं, इस दूत के कहे हुए भविष्यवाणी को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद जो है समय आता है और उनका जो है एक पुत्र उत्पन्न होता है, और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? उन्होंने उसका नाम शिमशोन रखा। उसके 24 में हम पढ़ते हैं कि स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम शिमशोन रखा। वह बालक बढ़ता गया, यहोवा उसको आशीष देता गया। यहोवा यानी उस स्त्री ने उसको दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया। यानी उसने अपने उस गर्भावस्था के समय, यानी 9 महीने के समय जब से वो गर्भ धारण की, तब से लेकर ना तो उसने दाख मधु पिया, ना तो उसने जो है मदिरापान किया, ना तो किसी अशुद्ध वस्तु को छुआ, और अपने आप को भी उसने अशुद्ध नहीं किया। और इस कारण से उसका उस वायदे को जो परमेश्वर ने उससे दिया तो उसको पूरा किया, और इस कारण से परमेश्वर उसके फल को आशीष देता रहा। यहाँ पे लिखा है कि बालक बढ़ता गया। वो बालक जो जन्म लिया था, शिमशोन जो जन्म लिया था, परमेश्वर उसको आशीष देता रहा। 25वां आयत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहोवा का आत्मा सोर और एश्ताओल के बीच महनेदान के उसको उबारने लगा। यानी बचपन से ही परमेश्वर जिस टाइम से बालक बढ़ता गया, परमेश्वर उसको तैयार करता गया। अपने कामों को अंजाम देने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा के माध्यम से उसको तैयार करता रहा। पुराने नियम और नए नियम में यही एक फ़र्क है कि आत्मा हमेशा स्थिर नहीं रहती, लेकिन कुछ काम को अंजाम देने के लिए उतरती थी, अंजाम देती थी, और फिर चली जाती थी। यानी पूर्ण समय वहाँ पर ठहरती नहीं थी, लेकिन ज्ञात दिलाती रहती थी, एहसास दिलाती रहती थी। मुश्किल समय पर वो जो प्रॉमिस्ड या वायदे की संतान थे उस पे जो है पर आत्मा कार्य करती थी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कार्य उसको सौंपा गया है, उसको पूरा करते थे। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से 14 अध्याय जो है शिमशोन के बारे में बताते कि शिमशोन एक ऐसा व्यक्ति था, वो भले ही एक बुलाया गया व्यक्ति था, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अपने मद्देनज़र पे नहीं रखता था। कहीं पे भी हमने यहाँ पे शिमशोन को परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस चढ़ाते हुए नहीं देखा। ध्यान से बात है, ध्यान देने बात है कि यहाँ पे कहीं पे भी हमने शिमशोन को परमेश्वर से प्रार्थना जो है अपने जीवन काल में पूरा उसके यहाँ पे है, लेकिन परमेश्वर से बात करते हुए या परमेश्वर से के लिए बलिदान चढ़ाते हुए, सैक्रिफाइस करते हुए या फिर या परमेश्वर की व्यवस्थाओं को पालन करते हुए हमने नहीं देखा। शुरू से ही वह अपनी मन मर्जी का था। उसको जो पसंद आए वो करना है, उसको जो करना है उसको यह पसंद आए तो वो लेना, मन मर्जी करना। बहुत सारे लोग आज ऐसे ही, आज युवाओं में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं अपनी बुलाहट में गिरने का। सबसे उनका प्रथम काम यही है कि आज्ञा को तोड़ना और मन मर्जी करना। क्या हुआ, मुझसे तो परमेश्वर ने बात नहीं किया, मैं क्यों मुझसे पहले बात करें, पहले मुझसे मैं जानूँ। या फिर अगर कोई सेवक अगर उनसे कुछ कहे या फिर भाई तुम आप ये करिए, और आपके अगुए उनको कहते भाई ये करिए, वो नहीं करेंगे। वो सिर्फ बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ जो है एक एक्सक्यूज़ देकर वो पीछे हट जाते हैं, अपनी मनमर्जी का करते हैं। अभी नहीं बाद में। और ये ऐसा करते करते ये सिलसिला चलते रहता है। हम देखते हैं कि वैसे लोग कभी फिर बाद में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो लोग बात करते रहते हैं वो फिर बाद उनका फिर कभी आता नहीं है और वो फिर सिर्फ पीछे रह जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, जब कभी भी आपको कुछ भी मौका चर्च के माध्यम से दिया रहे, आप तुरंत उसको ग्रैब कर लीजिए, विश्वसता के साथ उसको निभाइए। मैं जानता हूँ परमेश्वर आपके द्वारा दिए गए हर एक सैक्रिफाइस को ऑनर करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक शिमशोन जो है तिमना को जाता है, वहाँ पे एक पलिश्ती लड़की, देखिए आज्ञा को तोड़ना यह सिलसिला चालू। वो पलिश्ती लड़की को देखकर उसका मन मोहित हो जाता है और मनमोहित होकर ही वो जो है उसकी तरफ जाता है। उसके माता पिता ने कहा, उसको इत्तला किया कि बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता क्या है उससे डरते थे। यहाँ पे तीसरे वाक्य में भी लिखा है कि उसके माता पिता उससे कहा, क्या तेरे भाइयों में कि बेटियों में, हमारे सब लोगों में कि स्त्रियों नहीं, जो खतनाहीन पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है। शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह कर दे क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है। माता पिता की आज्ञाओं को सबसे पहले उसने माना। माता पिता बता रहे हैं कि बेटा हमें ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन शिमशोन अपनी मनमर्जी के कारण आगे बढ़ा। पहला उसका जो है गिरने का स्टेप या फिर उसका फिसलने का एक स्टेप। आप पूछेंगे, प्रश्न यह आता है कि परमेश्वर का बुलाया हुआ जन है, क्या परमेश्वर उसकी हिफाजत नहीं करेगा? परमेश्वर की चीज़ों के लिए वो चुना गया है, क्या परमेश्वर उसकी रक्षा नहीं करेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर ज़रूर हिफाजत करेगा जब आप आज्ञाओं में चल रहे हो। परमेश्वर ज़रूर हिफाजत करेगा जब आप उसके वचन पे चल रहे हो। परमेश्वर ज़रूर आपको इत्तला करेगा जब आप उसके वचन पे चल रहे हो, जब आप उससे प्रेम कर रहे हो, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो, तब ज़रूर परमेश्वर आपको थामेगा। लेकिन जब मनमर्जी से जानबूझकर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, आगे जो है इसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, तो आप फिर भूल जाइए कि परमेश्वर आपके पीछे आएगा, आपको जो है इस प्रकार से जो है करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है परमेश्वर आपको यहाँ पे वचन के माध्यम से उसको बता भी रहे हैं, माता पिता बता भी रहे हैं कि बेटा ऐसा करना है, लेकिन उसको अपनी मन मर्जी का करना है। आज मैं युवाओं को इत्तला करना चाहता हूँ कि हमेशा अपने जीवन को वचन के अनुसार करिए, माता पिता की इच्छाओं, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करिए। आगे हम बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि जाते वक्त उसको एक जवान से ही मिलता है, और तब सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका एक सामर्थ्य कार्य, उस जवान सिंह को उसने क्या किया, उसने दो हाथ से ऐसा बल उसके ऊपर उतरा कि उसको जो है दो भागों में कर दिया, और भागों में करके आराम से चलते चला गया। तब उसके माता पिता को और एहसास हो कि हाँ, वाकई में इसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा कार्य कर रही है। चिन्ह। आगे हम देखते हैं कि जब वो वापस आ रहा था तो उसी लोथ में मधुमक्खियों ने घर बनाया और उसमें शहद थी, और उस शहद को वो लेता है, माता पिता को देता है। अब आप पूछेंगे, भैया शहद तो है, उसमें क्या गलत है? उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आप यह मत भूलिएगा कि वो नाज़ीर है। शिमशोन एक नाज़ीर है। परमेश्वर ने शिमशोन को कुछ आज्ञाएँ दी थी कि नाज़ीर होने के कारण तू परमेश्वर के लिए चुना हुआ है, तो अपने आप को किसी भी अशुद्ध वस्तु से छूकर अपने आप को अशुद्ध मत करना। वहाँ पे फिर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। पहला, जाति के साथ जो है एक रिश्ता जो उसको नहीं बनाना था। दूसरा, अपने आप को अशुद्ध करता है। तीसरा, अशुद्ध करता है, उसके बाद झूठ भी बोलता है। उसके माँ बाप पूछते हैं कि बेटा तू ये दाख मधु कहाँ से लाया? मुझे मिल गया। हमेशा युवाओं से, फिर बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, जब माता पिता आपसे कुछ पूछते आप झूठ बोलते हैं, लेकिन देखिए आपकी हर एक झूठ आपको जो है नीचे गिरने का एक कारण बन सकती है, आपको रुकने का कारण बन सकती है। आगे हम, समय बीतता जा रहा है, मैं जल्द से अपने समय यहाँ पे जो बताना है उसको पूरा करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार 14वें अध्याय में हम शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उसकी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है। 15वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि फलिश्तियों के ऊपर पहली बार वो कैसे जो है उसका प्रहार आरंभ होता है फलिश्तियों के ऊपर, जो वहाँ से 15वें अध्याय से हम देखते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि शिमशोन का बचपन कैसा रहा, वो कितनी व्यवस्था में सीखा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह एक ज़रूर है कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर बचपन से ही कार्य करती थी, क्योंकि वह वचन हमें बताता है कि उसको उबारती रही परमेश्वर की आत्मा। और साथ ही साथ उसके माता पिता भी जानते थे कि एक चुना हुआ लड़का है, वैसे ही और लेकिन 15वें अध्याय और 16वें अध्याय में हम ये जानते हैं कि शिमशोन कैसे ही जो है फलिश्तियों को हराता रहा। हम जानते हैं कि लोमड़ियों के पूंछ पे आग लगाकर कैसे फलिश्तियों की खेत को नष्ट कर देता है, और तब से फलिश्ती और उसके ऊपर जो है गुस्सा हो जाते हैं और उसको नष्ट करने की तब से ठान लेते हैं। देखिए, एक तरफ शत्रु शिमशोन को नष्ट करना चाहता है, दूसरी तरफ शिमशोन अपनी मर्जी का चलता है और पूरी तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था के विपरीत ही सारे काम होते हैं। लेकिन इन सारे परिस्थितियों के मध्य में आप ये मत भूलिएगा कि गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर अपने काम को जरूर अंजाम दे रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कैसे, आगे हम पढ़ते हैं। तभी शिमशोन की मुलाकात एक दलीला नामक लड़की से होती है। दलीला फलिश्तियों के द्वारा भेजी गई एक एजेंट है। जी हाँ, एक एजेंट है, और जिसका काम फलिश्ती लोग जो है, एक वैश्य है वो, और वह वैश्य को फलिश्ती जो है प्रयोग में लाते हैं शिमशोन के रहस्य को जानने के लिए। 16:6 में हम पढ़ते हैं, 16:6 में हम पढ़ते हैं कि दलीला शिमशोन को पूछती है कि हे शिमशोन, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है कि किस रीति से तुझे बांध कर दबा रख सके। पूछ रही है दलीला एक पूछ रही है कि तेरे इस बड़े बल का कारण क्या है। शिमशोन वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता है। 3 बार दलीला जो है उसका मन फुसलाने का, उसके असलियत पूछने की कोशिश करती, लेकिन 3 बार क्या होता है, 3 बार शिमशोन कुछ ना कुछ जो है गलत बोलकर, कुछ ना कुछ बताकर उससे जो है उसको जो है चला देता है, उसको जो है दूर कर देता है। अभी हम ध्यान से देखेंगे 3 बार जब दलीला जो है शिमशोन से पूछ रही थी, एक बार भी शिमशोन को यह एहसास नहीं हुआ कि वो जो है उसमें खोट है या फिर वो उसको धोखा दे रही है। एक बार भी शिमशोन को यह एहसास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने पवित्र आत्मा उस समय उसके साथ वास नहीं करती थी, पवित्र आत्मा के साथ या परमेश्वर की व्यवस्था को वो पहचान नहीं पा रहा था। कारण यही है, परमेश्वर की व्यवस्था को वो जान नहीं पा रहा था, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो नहीं चल रहा था। बल है, सामर्थ है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चल रहा है। बल है क्योंकि परमेश्वर जब एक बार वायदा देता है, परमेश्वर किसी को अभिषेक देता है, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि उसने अगर किसी को कुछ दिया तो वो वापस नहीं लेता है, वापस नहीं लेता है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने किसी को कुछ दिया तो वापस नहीं लेता है, नहीं लेता है। शिमशोन को उसने सामर्थ दी लेकिन वापस नहीं लिया, लेकिन समय आने पर उसने अपना काम ज़रूर पूरा किया। कैसे? हम देखते हैं कि दलीला आखिरकार शिमशोन से वो सच उगलवा लेती है। उगलवा लेकर हम देखते हैं कि शिमशोन को फिलिश्ती आकर उसको दबोचते हैं, उसको बांध देते हैं। और सबसे पहले आपको याद है फलिश्तियों ने क्या किया, फलिश्तियों ने उसकी आँखें फोड़ डाली और उसको अंधा किया। मैं एरिया मीटिंग में इस प्रकार कह रहा था कि जब शत्रु के हाथ अगर आप आ जाते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति शत्रु के हाथ में आ जाता है तो सबसे पहले शत्रु उसका दर्शन, उसका विजन खत्म कर देता है। मेरे प्रियो, आज हमें अपना विजन क्या है आगे रखकर हमें चलना है। आपकी बुलाहट क्या है आगे रखकर हमें चलना है। अपने दर्शन से आप पीछे मत हटिए, अपने बुलाहट से आप पीछे मत हटिए। शिमशोन के जीवन में जो हुआ हमारे ज़िंदगी में ना होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। यहाँ पे पलिश्ती जब उसको धड़ पकड़ते हैं, सबसे पहले उसको अंधा कर देते हैं। हमने देखा है, मैंने बहुत नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखा होगा, बड़े बड़े जो है घड़ियाल आते हैं, बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स आते हैं, उसको पकड़ने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसके मुंह पर, उसके आँख पर सबसे पहले एक कवर डाल देते हैं या फिर कुछ बोरी या फिर कुछ कपड़ा डाल देते हैं। जैसे ही उसका आँख बंद हो जाता है, क्रोकोडाइल या फिर वो घड़ियाल पूरी तरीके से मरा हुआ जैसा पड़ा रहता है। वैसे ही शिमशोन के साथ भी हुआ कि उसकी आंखें फोड़ डाली गई और उसको पीतल की बेड़ियों में जकड़कर, पीतल की जकड़ियों में जकड़कर उसको जो है वहाँ पलिश्ती में लेके, पलिश्तियों के महल में लेके गए और वहाँ उसका तमाशा बनाया गया, तमाशा बनाया गया। अब हम आखिर में आते हैं। यहाँ हम देखते हैं पहली बार शिमशोन यहोवा से, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मुश्किल समय, वो जानता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी सारी गलतियों का एहसास शायद उसे हो रहा है, शायद सारी गलतियों का एहसास उसे हो रहा है। और वो पहली बार शिमशोन यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। 16 के 28 में, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। देखिए, तब भी पलिश्ती से कैसे पलटा ले या उसकी आंखें फोड़ डाली, उसका पलटा वो कैसे ले, वही वो बोल रहा है। आगे, तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खम्भों को जिसने उससे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर दो दाहिने हाथ से, दो बाएं हाथ से बल लगा दिया और शिमशोन ने कहा, पलिश्तियों के कार संग मेरा प्राण भी चला जाए। और उस समय एक बड़ा ही जो है भूकंप जैसा होता है, दोनों पिलर्स गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो पूरा महल, जितने पलिश्ती वहाँ बैठे थे, सब खत्म हो जाते हैं। शिमशोन का भी वहाँ पे अंत हो जाता है। आखिरी बार यहोवा की सामर्थ उसको उतरती है और वहाँ पे उसका अंत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आखिरी बार उसने दुहाई दी, अपने प्राण को भी मांग लिया। परमेश्वर उसके जीवन को नियंत्रित करके रखा था, परमेश्वर ने उसको एक तोहफा दिया। परमेश्वर चाहता था कि पलिश्तियों से इजरायलियों का छुटकारा दे। इतना शिमशोन उसके विपरीत गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने काम को अंजाम दिया। कहा 31 में पढ़ते हैं, 31 नहीं, उसके 30 के आखिरी भाग में पढ़ते हैं, इस प्रकार जिसको उसने मरते मरते मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर में मारा था। जीवन भर में जितनों को उसने मारा था, उससे कहीं अधिक पलिश्ती लोग उस दिन मारे गए जिस दिन शिमशोन मारा गया। शिमशोन के उस कारनामे से लोग मारे गए। आपको याद है, एक बार युद्ध हुआ था, शिमशोन ने इतने एक गधे के जबड़े से लेकर जो है दो टीले समान जो है लोगों को मारकर दो टीला खड़ा कर दिया। इतने लोगों को उसने मारे और अनेक समाज जो युद्ध हुआ, अनेक लोगों को उसने मारे। लेकिन जब आखिरी बार उसकी मृत्यु हुई, परमेश्वर का वचन यह हमें बताता है कि सबसे अधिक जो है लोग मारे गए। और इस प्रकार उस दिन फलिश्ती पूरी तरह कमज़ोर पड़ गए और इजरायली फलिश्तियों के हाथ से आज़ाद हो गए। 31 के आखिरी में, इसराइल की उसके भाई और उसके पिता उसके घराने उसे उठाकर 16 इश्तोल के मध्य में उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी और इसराइल का न्याय वह 20 वर्ष तक करता रहा। 20 वर्ष तक इसराइल के ऊपर शिमशोन न्याय करता रहा। 20 वर्ष तक हो सकता है उसकी उम्र 40 रही होगी, 45 रही होगी, हम नहीं जानते हैं, वाकई हमें नहीं बताता, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि 20 साल तक उसने सिर्फ न्याय किया। यानी 20 साल तक उस एक ही, मान लीजिए 20 साल से उसके ऊपर या 25 साल से उसके ऊपर आत्मा और ज़्यादा तिमना की ओर 25 साल की ओर गया होगा, तो हम अनुमान लगाते हैं। यह बाइबल से हमें पुख्ता नहीं है, लेकिन तकरीबन 50 से कम ही रही होगी, यह मेरा अनुमान है। 50 से कम ही रही होगी। और इसमें जो है शिमशोन की मृत्यु हो जाती है। 20 साल तक उसने जो है उस पर न्याय किया। आज्ञा ना मानने के कारण एक व्यक्ति कैसे कैसे गिरता है। वह अपने नाज़ीर जो वायदे थे उसको तोड़ा, अन्य जातियों से रिश्ता बनाया, माता पिता के आज्ञाओं को तोड़ा, जो परमेश्वर की वाचाएँ थी उसको तोड़ा। परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम कहीं दिखने को नहीं आया, परमेश्वर के प्रति उसकी आज्ञाओं का बिल्कुल पालन नहीं किया। दलीला नामक एक वैश्या के साथ उसने जो है संबंध बनाया। अछूत या फिर माफ़ कीजिएगा उस शब्द के लिए एक अपवित्र का अपने शरीर को उसने किया। अपवित्र लोग, अपवित्र चीज़ों को छूकर अपने शरीर को उसने क्या किया, अपने नष्ट किया। और ऐसे में क्या हुआ, उसने बुलाहट्स में जो थी आज्ञा ना मानने के कारण गिर गया। लेकिन प्रियो, धैर्य हमें इस बात का है, हमें जो है दिलासा इस बात का है कि एक व्यक्ति के पाप ना मानने के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण, अगर एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के कारण अगर पाप और मृत्यु संसार में है, तो एक व्यक्ति के आज्ञा मानने के कारण हमें उद्धार मिला। हमें हमारे सामने शिमशोन मिसाल है कि यह चीज़ बताने के लिए कि बुलाहट में एक व्यक्ति कैसे गिर जाता है। लेकिन हमारे सामने यीशु मसीह एक उदाहरण है, एक आदर्श है। हमारे सामने यीशु मसीह ही सब कुछ है, क्योंकि फिलिपी 2:8 में इस प्रकार कहता है कि 2:6 में इस प्रकार कि परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक ही आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह ली। हालेलुया, क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह ली। पिता के प्रति यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। इस कारण से क्या हुआ, जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। इसलिए आज भी शैतान शिमशोन के नाम से नहीं कांपता है। अगर शैतान कांपता है तो यीशु मसीह के नाम के कारण। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर आपसे भी शैतान थरथराए तो आज ठान लीजिए यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना, वचन पर चलना, अपनी बुलाहट को स्थिर करने के लिए आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया। रही भना शब्द राय, अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और एक और बार अपने आप को समर्पित करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हमने सीखा प्रभु जी कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में आज्ञाकारी होकर आगे बढ़ना है। प्रभु, हमसे बात की इसके लिए धन्यवाद। आज यहाँ पे खड़े हुए आए हुए तमाम लोगों को आप आशीषित करिएगा, आपके आपसे प्रेम करने पाए, पवित्र आत्मा आपके अच्छा के अनुसार चलने पाए, आज्ञाकारी होने पाए। कृपा में चलाइएगा, अनुग्रहित करिएगा। सारी चीज़ों में आदर मान सम्मान आपको यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद भैया हमें सुंदर बाइबल स्टडी में अगुवाई करने के लिए, और आपने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से समझा।